इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे कि एमएस वर्ड में हम टेक्स्ट बॉक्सेस किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो टेक्स्ट बॉक्सेस होते क्या हैं, इसका एक एमएस वर्ड में एक ऐसा ऑप्शन आता है जिसकी मदद से आप अपने डॉक्यूमेंट में कहीं पे भी आपने टेक्स्ट इंसर्ट करना हो, टेक्स्ट डालना हो, कोई भी आपने सेंटेंस अलहदा से वाज़े तौर पर दिखाना हो तो वो आप कर सकते हैं पेज के किसी भी हिस्से में। ये दरअसल टेक्स्ट बॉक्स कहलाता है। तो उसके लिए आपने सिंपल क्या करना है कि एमएस वर्ड में इंसर्ट पे क्लिक करना है और टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर आपने क्लिक करना है तो आपके डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट बॉक्स ऐड हो जाएगा। अब हम इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करके देखते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमने एक डॉक्यूमेंट हमारा मौजूद है। इस डॉक्यूमेंट में मैं चाहता हूँ कि इसके आखिर में यहाँ पे एक टेक्स्ट अपेयर हो जिसके अंदर इस डॉक्यूमेंट के कॉपी राइट्स लिखे हुए हों। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करूंगा। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे जो आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है टेक्स्ट का, यहाँ पे आपने रुकना है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने क्लिक करना है टेक्स्ट बॉक्स पे। अब यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी कुछ टेक्स्ट बॉक्सेस मौजूद हैं जो कि एमएस वर्ड हमें कुछ टेम्पलेट्स देता है जो कि हम अपने डॉक्यूमेंट में एंटर कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे ख़ुद से अपना एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर सकते हैं जहाँ पे भी आपने टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना हो। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आता है कि आप ख़ुद से टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप किसी भी हिस्से पर आप जो टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे बिल्कुल आखिर में आके यहाँ पे मैंने कॉपीराइट्स ऐड करने थे तो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर दिया है। अब इसके अंदर आप जो आप टेक्स्ट लिखेंगे वो इसके अंदर आपको लिखा हुआ नजर आएगा। तो अब हम यहाँ पे लिखें अगर कॉपीराइट्स 2019 तो ये एक अलहदा से यहाँ पे अपेयर होगा ये टेक्स्ट बॉक्स, और इसको मैं यहाँ पे साइट पे प्लेस कर देता हूँ तो ये हमारे डॉक्यूमेंट में हमने एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर दिया। इसी तरह आप डॉक्यूमेंट के बीच में भी कहीं पे भी आप चाहते हैं कि यहाँ पे आप टेक्स्ट बॉक्स ऐड करें तो आप कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने सिंपल क्या करना है कि इंसर्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे हम एक और भी करके देख लेते हैं कि इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स, और यहाँ पर जो ऑलरेडी हमारे पास कुछ टेक्स्ट बॉक्सेज मौजूद हैं उनको अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो फिर टेक्स्ट बॉक्सेज जो हैं वो इस शक्ल में हमारे सामने आएंगे। बल्कि इस बात को ज़्यादा बेहतर समझने के लिए हम क्या करते हैं, फाइल के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम एक न्यू डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं। उस ब्लैंक डॉक्यूमेंट में हम अपना जो टेक्स्ट बॉक्स है वो हम उसके अंदर लेकर आएंगे। तो पुराना डॉक्यूमेंट जो था वो मैंने ख़त्म कर दिया है। अभी बिल्कुल एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, यहाँ पर अगर आप इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट पर आप क्लिक करेंगे और इंसर्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जैसे ही हम इसके टेक्स्ट बॉक्स पे आते हैं तो ऑलरेडी यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में हमारे पास कुछ टेम्पलेट्स मौजूद हैं। यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखें यहाँ पे हमारे सामने एक टेक्स्ट बॉक्स आ गया है, और इसका जो फॉर्मेटिंग है वो ऑलरेडी हुई भी है कि इसके अंदर जो फॉन्ट साइज़ होगा वो क्या होगा, उसका कलर क्या होगा, तो आपको ख़ुद से फॉर्मेटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि एमएस वर्ड में टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने ये सीखा कि एमएस वर्ड के अंदर हम टेक्स्ट बॉक्सेस का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं।